ग्यारहवीं मामले में शनिवार को मस्जिद के तहखाने का एक वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर जारी 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो सर्वे के दौरान का बताया जा रहा है। ग्यारहवीं में होने वाले रान का एक मानस के लिए बांस बल्ली निकाला जाना हम लोग के द्वारा। कैट है अभी भैया लाल वाला ना? उसमें तहखाने में आकर्षक शैली में बनी चौखट और उसके ऊपरी सिरे के अलावा एक युवक और बांस बल्ली हटाते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें TV9 UP इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बने दूसरे तहखाने का है, जिसमें सर्वे टीम को जाने से मुस्लिम पक्ष ने रोक दिया था। इसका फिर से केस चला और कोर्ट की अनुमति के बाद 14 मई को सर्वे टीम यहां जा सकी। तहखाने में दिख रहे पिलर और बांस बल्लियों का हवाला देकर हिंदू पक्ष इसके मंदिर होने का दावा कर रहा है। इस वीडियो में एक युवक गले में विश्वनाथ मंदिर का पास लटकाए दिख रहा है, वहीं मस्जिद का तहखाना मलबे और बांस बल्लियों से भरा दिख रहा है। जिसे कुछ लोग वहां से हटाते हुए भी दिख रहे हैं। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस वीडियो को काफी पुराना बता रहा है। उनके मुताबिक वीडियो में दिखने वाला युवक ब्यास परिवार से जुड़ा है, जिसका नाम आशुतोष है। वो बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद दक्षिणी तहखाने में ब्यास परिवार को साल में एक बार जाने की अनुमति दी जाती है और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट के लीक होने की चर्चा अभी थमी नहीं है और ये वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल इसकी सच्चाई की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हिंदू पक्ष इस वीडियो को लेकर वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है।